आइए दोस्तों, आज वी आर गोना टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14.3 ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम, व्हाट इट इज फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट. कौन से जो टाइम के फंक्शंस होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. और हमें गिव पीरियड फॉर ईच केस, और हमें हर एक फंक्शंस के केस के लिए हमें टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा, और वो हमारे फंक्शंस हैं जो नीचे दिए हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. हमें वो फंक्शंस देखने हैं जो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के फंक्शंस हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल पीरियोडिक को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करते. सो लेट्स गोना डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अवेयर व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड विच फंक्शन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द पीरियोडिक मोशन और विच फंक्शन विल रिप्रेजेंट दिस पीरियोडिक मोशन, एंड व्हाट आर दोज पीरियोडिक फंक्शन विच आर नॉट शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और व्हाट विच इज द पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हमें उसका पीरियड बताना है. ये हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले हम पीरियोडिक मोशन देखेंगे. हम इससे पहले लेक्चर में भी हमने पीरियोडिक मोशन देख चुके हैं, एंड सो अब हम इसको रिपीट करेंगे और हमें बताएंगे कि पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं. सो इसको रब कर देते हैं. पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन वो होगी जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगी. एंड दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी ए टाइप ऑफ पीरियोडिक, विल रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, बट एवरी टाइम द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट गोइंग टू बी पीरियोडिक मोशन. सो लेट्स सी व्हाट पीरियोडिक मोशन इज. पीरियोडिक मोशन इज विच रिपीट इटसेल्फ, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट विल बी कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. एंड सेकेंड टाइप ऑफ मोशन दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, एंड ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन. सो व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन, लेट्स डिस्कस दिस. इफ वी डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजिशन बाय अप्लाइंग ए फोर्स, देन इफ दिस ऑब्जेक्ट ट्राई टू regain its original position again, then this type of motion will be called oscillatory motion. And what is the example of it? Let's say a bowl. हम एक कटोरा ले लेते हैं, उसमें हमने एक पार्टिकल को रखा और इसको हम slightly डिस्प्लेस कर देते हैं इस तरफ. Now अब ये पार्टिकल अपनी mean position या equilibrium position पे आने के लिए एक फोर्स विल एक्ट ऑन दिस पार्टिकल विच विल पुल दिस पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. हाउ दिस मोशन इट इज पीरियोडिक, बिकॉज इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से दैट दिस टाइम आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड इट रिपीट्स इटसेल्फ. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट. Firstly, the object is here. Okay, when the t equals to 0, and after here the velocity of the particle is also 0. We can take any position, equilibrium position or initial position. It is depend on our convenience. After the time period of t by 4, this particle will reach its equilibrium or mean position, and velocity will be maximum, like in case of pendulum, or we can
Take this example here, the velocity of the particle will be zero, and at this mean position the particle velocity will be maximum, and after the period t by 2 the particle will be here on this end, means the particle will be here again, the velocity of the particle will be zero, and after the period of 3t by 4 time period the particle will reach here. The velocity of the particle here is maximum, but in opposite direction, which the direction was earlier. Earlier it was moving in this side, now it is moving in this side. And after the time period of t, the particle will reach again here. And in this manner, it will repeat itself after a certain interval of time, and that time is called time period. So the oscillatory motion is also a type of periodic motion. Okay, now we have understood what the periodic motion is, we have understood what the oscillatory motion is, and now we have left with simple harmonic motion. Simple harmonic motion is a type of oscillatory motion. So let's do that. One thing, every oscillatory motion will be periodic. Every oscillatory motion like this, the motion of a pendulum, every oscillatory motion will be periodic because it repeats itself after a separate interval of time. But every periodic motion will not be oscillatory. Like this, the motion of planets. Planets revolve, but this is periodic motion, not oscillatory, because when we displace them, they are not trying to come back to their mean or origin, starting mean or equilibrium position. They are just revolving. So the periodic motion is not necessary, will always be oscillatory motion, but oscillatory motion will always be periodic motion because it repeats itself after a certain interval of time. So now the simple harmonic motion, it is a type of oscillatory motion. Simple harmonic motion, SHM. In simple harmonic motion, if displacement is a function of time, okay, means particle is moving with the time dimension, and the motion of the particle is sinusoidal, the motion of the time particle is sinusoidal, so that motion will be called simple harmonic. It will be sine or cos, you can take anything. That motion will be simple harmonic motion. Means the motion, the position or displacement of the particle is sinusoidal with respect to the time. That motion will be called simple harmonic motion. It is the simplest type of oscillatory motion, and it is represented by this formula, A cos omega t. Cos theta represent, cos theta represent the sinusoidal form of the wave or the